ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर। अब मेरे मन में जो एक सवाल है कि क्या कौन सा ऐसा हित था अपना राष्ट्रहित जिसको हमने खोया है नेपाल के साथ इन संबंधों को दूर करके, और अब जो प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है तो हम क्या क्या हासिल करने जा रहे हैं? देखिए, मेरी राय में राष्ट्रहित जो है भारत की अभी तक बड़ी तौर से पूरे रूप से खोया नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खो रहे हैं, क्योंकि चाइना की पहुंच की पकड़ वहाँ बहुत ज़बरदस्त हो गई है। मैं कहता हूँ किस लिए, चीन वहाँ पर आप सोच लीजिए तीन कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, एक तो है यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, वो हमारे CPM के बराबरी होगी, दो वहाँ पर हैं माओइस्ट माओवादी पार्टी, वो भी उनमें भी भिन्न हो गया है, फूट हो गई है। तो एक तो प्रचंड के उसको उसके नेता हैं, और दूसरा मोहन वैद्या जो और भी एक्सट्रीमिस्ट है और भी उग्रवादी हैं। अच्छा, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बराबरी की जो पार्टी है UML उसे कहिए, उसमें भी दो 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 तरह के सोच हैं, एक तो ज़्यादा लेफ्ट है जो कम लेफ्ट है, कभी कभी ज़्यादा लेफ्ट जो पार्टी है उनकी शक्ति उस पर बढ़ जाती है, कभी कभी कम होती है। तो चीनी सरकार का ये प्रयास रहा है शुरू से कि ये तीनों, पहले ये दोनों माओवादी गुट एक हो जाएं, उसके बाद ये तीनों एक हो जाएं, ये तीनों एक हो जाएंगे तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और वो हमेशा राज कर सकेंगे। अच्छा, कांग्रेस में आपस में फूट है, उनके जो अभी प्रधानमंत्री है उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है, वहाँ गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार के अंतर्गत जो UML का जो है प्रतिनिधि इस समय वो उप प्रधानमंत्री है, वो अत्यंत भारत विरोधी है, उन्हें मैं खुद जानता हूँ और अत्यंत भारत विरोधी है। यदि कोराला जी को कुछ हुआ, ईश्वर न करे, बिल्कुल ठीक हो जाए, ईश्वर करे ठीक हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए ख़राब, तो ये हो सकता है ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं कम से कम अगले 4 वर्ष के लिए, तो इस पर अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात है कि चाइना से डेलीगेशन वहाँ करीब करीब हफ्ते हर एक हफ्ते आता है, कभी कल्चरल डेलीगेशन हुआ, कभी काउंसलर हुआ, कभी सुरक्षा के मामले में, कभी तिब्बत से संबंधित मामलों में, कुछ ना कुछ लेकर के वो आता रहता है। और जितने जो नेता लोग हैं अनेक पार्टियों को, उनको चीन घुमाते हैं, उनके बच्चों को चीन में स्कॉलरशिप मिलती है और अनगिनत स्कॉलरशिप। अच्छा, तीसरी बात यह है कि वहाँ पर तनाव थोड़ा सा हमेशा रहा है, मधेसी लोग तराई में हैं और पहाड़ियों के बीच में, मधेसी लोगों का ये कहना है और ये सही भी बात है कि जैसे कि 2006 तक राज सरकार में, जबकि राजा की सरकार थी, तो केवल 205 प्रतिनिधि थे संसद में, वहाँ राष्ट्रीय पंचायत कहते थे उसको, उसमें मुश्किल से मधेसी 3 या 4 रहे होंगे, जबकि उनकी आबादी 1/3 है नेपाल की। अच्छा, और एक कारण ये था कि निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए गए थे उस समय वो उत्तर दक्षिण थे, यानी उत्तर में पहाड़ी इलाका है, दक्षिण में तराई का इलाका है, तो उत्तर वालों को बहुमति हो जाती थी, इस रूप से बनाया गया था। तो माओवादी ने यह किया है कि जब कभी वो सरकार में आए, वहाँ गठबंधन सरकार में भी आए 2008 के 9 के बाद, इनको ले लिया अपने साथ कि भाई वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ है कि बहुत कमज़ोर है, दुर्बल है, तो कहते हैं कि भाई आप पार्टी भंग करके आ जाइए हमारे साथ, 2, 4, 10, 20 लोगों की पार्टी होती है, आपको 3-4 लोगों को मंत्री बना देंगे। तो ये लालच दे करके उनको लेकर के अपने पास ले आती है। तो इस तरह होते तराई में, इसके कारण उनका जो अब तक भारतीय मुल्क के लोग का कोई भी दिलचस्पी नहीं था उसमें, वो उस तरफ झुक रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना प्रभाव, अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। सर, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि हम भारत और नेपाल के बीच अगर टाइप होता है, दोस्ती और मजबूत होती है, तो हम किन किन क्षेत्रों में उनके साथ रिश्ता बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ संभावनाएँ हैं? नहीं, पहले मैं आपको बता दूँ कि वो किस तरह उनको हैंडल करना होगा। तराई के जो मधेसी लोग हैं उनको, एक तो उन्होंने एक प्रांत मांगा है, वो पहले माओवादियों ने कहा था हम दो देंगे, दो मांग गए, अब कहते हैं 7 प्रांत होंगे, तो एक प्रांत या 2 प्रांत हो तो उनकी 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 शक्ति अधिक होगी। एक तो ये है,
भारत सरकार को सबसे पहले उनको एडवाइस करना है, सलाह देनी है कि भाई आप जो भी करें माओवादियों के साथ ना जाइए। दूसरी बात यह है कि वो ये पॉलिटिकल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ पहले, दूसरी बात यह है कि पहाड़ी जो पार्टियाँ हैं कांग्रेस पार्टी खास करके UML भी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो राजा के समर्थक हैं उनको साफ साफ कह दिया जाए कि देखिए आपके हित में है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के हित में है कि आप तराई वासियों को एक साथ अपने साथ ले चलें। अच्छा इसके बाद आर्थिक स्थिति में मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ एक फार्मूला होता है भारत में प्लानिंग कमीशन में कम से कम था कि हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं इंडिया में हिमाचल है उत्तराखंड है सिक्किम है नहीं हिमालयन और अरुणाचल प्रदेश है इनको जो आर्थिक सहायता मिलती है एक अलग फार्मूला होता है बाकी वो जो अलग राज्यों से। तो नेपाल को भी इस मामले के लिए आर्थिक सहायता के लिए यही फार्मूला आप लोग अप्लाई करें तो उनको अधिक आर्थिक समर्थन उनको मिलेगा आर्थिक को मिलेगा सहायता। चीन से बहुत मिल रहा है। अच्छा हमें वहाँ पर के प्रधानमंत्री 1965 या 66 में ये उन्होंने आश्वासन दिया था भारत सरकार को कि 50 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है भारत के यूपी बिहार बॉर्डर से वहाँ पर चीनी प्रोजेक्ट चाइना के प्रोजेक्ट चाइना के मिलिट्री के लोग ये लोग कोई नहीं आएंगे और इन्होंने इसका पालन किया। केवल एक बार शायद तोड़ने का खतरा था तो भारत सरकार आगे बढ़ करके रोक ली उसे। अब हो रहा है कि चाइना स्टडी सेंटर चाइनीज स्टडी सेंटर करीब 30-35 खुल गए हैं तराई में बिल्कुल सीमा पर। वहाँ पर तराई के लोगों को चाइनीज भाषा और चाइनीज इतिहास पढ़ने में इतनी दिलचस्पी नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे लोगों से ही होंगे कैसे उनके खुफिया विभाग के लोग होंगे। और दो तीन तो वहाँ पर हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं पर हैं। दूसरी बात यह है कि लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थान है वो भारत की सीमा से 4-5 किलोमीटर पर है। उसका बड़े ज़ोर से विकास हो रहा है चाइनीज़ कंपनी कर रही है। चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी कोई चीज़ नहीं है, चाइनीज़ हमेशा हर एक कंपनी सरकारी कंपनी होती है। तो एयरपोर्ट बनेगा शहर बनेगी बुद्धिस्ट सेंटर बनेगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर तो इससे चीन को बड़ा फ़ायदा होगा बहुत देशों में उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो ये सब करके हमें मोदी जी को भाई सरकार को उन पर जोर डालना है कि भाई आप ये आश्वासन जो पहले दिया था इसका पालन कीजिए, हमारी सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा पर भी आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कि अब ये मैं मानता हूँ कि ये कहना आसान नहीं किसी देश को, हम ये नहीं कह रहे कि आप चीन से आर्थिक सहायता नहीं लीजिए लेकिन इस क्षेत्र में जो सहायता आपको चाहिए हम देंगे और भी देंगे। तो ये साफ साफ उन्हें कहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी कभी कि भारत के हित में ये मामले हैं इनके इनके पार न कीजिए। दूसरी बात लोग मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो नेपाल के रिश्ते हैं वो नज़दीक आएंगे और इस बार जो प्रधानमंत्री की यात्रा होगी तो उसमें हाइड्रो पावर के क्षेत्र में उनसे बात होगी, क्रिकेट एकेडमी को लेकर बात होगी, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बात होगी, इन सब चीज़ों में कितनी संभावना दिखते हैं? जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र में वहाँ पर नेपाल की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो वो एक खजाना है भंडार है 83,000 मेगावाट 83,000 मेगावाट उनकी पोटेंशियल है। अच्छा इसमें अगर हम 10,000 मेगावाट पे भी उनको मदद कर दें तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। जैसे भूटान के साथ हुआ है पहले एक चूखा वन पर वो संकोच करते थे उसके बाद इतने पैसे मिले उनको और भी 2-3 4 प्रोजेक्ट बन गए हैं और एक दो और बन रहे हैं कि साउथ एशिया में दक्षिणी एशिया में उनका जो पर कैपिटा इनकम है सबसे अधिक है भूटान। हाँ ये फ़ायदा नेपाल भी उठा सकती है अगर उन्हें फ़र्ज़ कीजिए 1,000-2,000 मेगावाट अपने देश के लिए चाहिए फ़ौरन, बाकी 8,000 हमें हमारे यहाँ आ सकता है। और तो ये करके बताना है। हाँ ये बहुत बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है लेकिन वो चाहते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है DPR जिसे कहते हैं वो भारतीय फर्म ना बनाए कोई और फॉरन फर्म बनाए। अच्छा तो ठीक है बनाने दीजिए। और कभी कहते हैं साहब एक पावर हाउस ना हो आप ही की तरफ हो आप ही की तरफ ना हो दोनों तरफ हो आधा बांट कर दीजिए को दे दीजिए उनके लोगों को एसोसिएट कीजिए जो हमारी शुरू से उनके इंजीनियर वगैरह हैं उनको भी साथ रखिए कि भाई आप भी देखिए क्या कर रहे हैं आप इसमें आप भी सीखेंगे आपको भी तसल्ली होगी। ये सब करके हमें कुछ उनको छूट देनी पड़ेगी।
सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं पहले जो स्टेप होता है वो रिलीजियसली जुड़ना चाहते हैं भारत के पड़ोसी देशों से, फिर उसको टूरिज्म में कन्वर्ट करके फिर उसको धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके उसको आगे बढ़ाना। देखिए नेपाल में जो टूरिज्म पोटेंशियल है खास करके, हाँ जब माओवादियों जब राजा की सरकार उलट गई तो एक बहुत गलत चीज़ वहाँ की सरकार दिखी, एक हफ्ते के अंदर उल्टाने के एक हफ्ते के अंदर ही अप्रैल 2006 में कैबिनेट मीटिंग, वो भी इलेक्टेड मीटिंग, इलेक्टेड पार्लियामेंट ही था उस वक्त, पार्लियामेंट था अनइलेक्टेड, चुना नहीं गया था, उसके भी वो भी नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि मतलब को अब सेकुलर स्टेट बनाएंगे। अब ये बात कहीं पूछ नहीं गई, इस पर ज़रा हमें जोर डालना होगा कि नेपाल को हम लोग एक तीर्थ भूमि के रूप में देखते आए हैं, ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, तो भाई इसको हिंदू स्टेट हो, इसमें सबका फायदा है, और हमारे जो पिलग्रिम वगैरह जाएंगे वहाँ पर, श्रद्धालु जाएंगे, वो तो सैकड़ों स्थान पशुपति के नाथ के अलावा सैकड़ों स्थान है, तराई में जनकपुर है और हैं, सतासी धाम है, धनुषा है जहाँ की रामचंद्र जी ने जब वो बाण तोड़े थे तो एक टुकड़ा वहाँ जाकर गिरा था। खुद प्रधानमंत्री इच्छुक हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करें, खासकर सावन के महीने वो तो एक हो गया, ये भी कहीं ना कहीं उनका आकर्षण है। वो तो बहुत अच्छी चीज़, अच्छी बात है, और लेकिन और भी जगह वहाँ मुक्तिनाथ है, सैकड़ों जगह जो हिंदुओं के लिए बहुत बहुत हमारे श्रद्धालु के लिए बहुत तीर्थान से तक रहे हैं, तो ये सब करके उन्हें बताना होगा और ये देखना पड़ेगा कि वो कब, क्योंकि यहाँ आप ये ना सोचें कि वो शोर मचाएंगे कि भारत दखल दे रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, वो हमेशा शोर कुछ नहीं भी कर तभी कुछ लोग वहाँ करेंगे, नेपाली चाइना उनको पैसे देकर कराएगी या कुछ कराएगी कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, और नहीं भी करें बिल्कुल इग्नोर कर नज़रअंदाज कर दें तभी वो बुरा मानते हैं कि भारत परवानी कर रहा है हमारी, तो दोनों तरफ से पकड़े जाते हैं, तो इसमें ये एक बात है कि हमारी जो हित है, हमारे हित में जो बात है उसको उसका हम पालन करें, उसको आगे बढ़ाएं। सर एक सवाल और मेरे मन में है कि क्या हम पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ अपना सारा टारगेट करके फोकस उधर चेंज करके हम बाकी पड़ोसियों को धीरे धीरे भूल गए थे, इससे हमारी कहीं ना कहीं विदेश नीति बहुत हद तक खराब हो गई। देखिए अमेरिका पाकिस्तान का तो हमेशा रहेगा, वो एक अद्भुत श्रेणी में है, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन संबंध अच्छे करने होंगे, क्योंकि अभी चाहे माने या ना माने वो सबसे शक्तिशाली पावर शक्ति अभी तक दुनिया में वही है, और वो कमज़ोर भी हो जाए तो टेक्नोलॉजी का भंडार वही रहेगा अभी सदियों तक, यानी दशकों तक, तो हमारे लाभ में उनके साथ अच्छे रिश्ते हो, हमारे ट्रेड भी बहुत है उनके साथ। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से साउथ एशिया जो है, दक्षिण एशिया, इनके साथ और बाकी जो हमारे इंटरेस्ट हैं दुनिया में सबके साथ संबंध बढ़ाया जा सकता है, दक्षिण पूर्वी एशिया खास करके, और जापान को नहीं भूलें, ये एक इम्प्रेशन हो गया है बहुत लोगों के बीच।